गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? ओके, आई होप यू आर सो गुड। हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, सोर्स ऑफ फूड कंप्लीट हो गया था ना। सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग का आता है एक्सरसाइज करने का टर्म। अब हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या चीज़ें हमने पढ़ी है, क्या चीज़ें हमको याद है, क्या चीज़ें हमको समझ में आई है, क्या चीज़ें समझ में नहीं आई है। ओके, तो नाउ स्टार्ट्स एक्सरसाइज एंड फर्स्ट टॉपिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट? हियर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट? इसमें से कौन है जो रूट नहीं है? टर्निप, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, रेडिस। अब रूट कौन नहीं है? तो आपको पता है ना कि जो पोटैटो होता है वो क्या होता है? स्टेम होता है ना। पोटैटो क्या होता है? स्टेम होता है। सही कौन सा होगा? पोटैटो। ओके, इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हियर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेम? अब यहाँ पूछ रहा कि इसमें से स्टेम कौन है, पोटैटो, कैरेट, स्वीट पोटैटो, कैबेज। गुड, क्या है? पोटैटो। पोटैटो क्या होता है? स्टेम होता है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीरियल्स? अब इसमें पूछ रहा है कि कौन इसमें से निम्नलिखित में से कौन सीरियल्स है, अनाज है। तो ग्राम क्या होता है? दाल होता है। बीन क्या होती है? दाल होती है। पी क्या होती है? दाल होती है। व्हीट क्या होता है? अनाज होता है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? व्हीट। विच ऑफ दीज इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स? अब इनमें से कौन एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं? तो ये आपका होगा, क्या होगा इसमें ऑप्शन दिया है आपका? सीरियल्स, चीज, पल्स एंड शुगर। अब एनिमल से क्या प्राप्त किए जाते हैं? सीरियल्स आपको पता है अनाज पौधे से प्राप्त की जाती है। पल्स किससे प्राप्त होती है? भी पौधे से प्राप्त की जाती है। शुगर किससे प्राप्त होता है? भी पौधे से प्राप्त होता है। चीज किससे प्राप्त होती है? ये एनिमल से प्राप्त होती है। तो हम लोग का नेक्स्ट आंसर क्या होगा? चीज। ओके, तो हम टिक किस पे करेंगे? या चीज पर। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का विच ऑफ दीज इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स? अब इसमें से प्लांट्स से किसको ऑब्टेन की जाती है? एक ये भी एनिमल से, हनी ये भी एनिमल से, कर्ड ये भी एनिमल से, बट राइस इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। नेक्स्ट आंसर हम लोग का क्या होगा? राइस होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ सम वर्ड्स दिए गए हैं, अब यहाँ फिल करना है जो खाली स्थान है, ब्लैंक्स है। ओके, एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड इसमें क्या भरा जाएगा? स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? स्क्वेंजर्स और डिकम्पोजर, दोनों क्या फिल कर देना है? स्क्वेंजर और डिकम्पोजर। ओके, नेक्स्ट है बटरफ्लाई इज ए हर्बीवोरस, ठीक है, बटरफ्लाई इज ए हर्बीवोरस सिंस इट सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये क्या सक करती है? रस सक करती है। किससे? फ्लावर्स से, आपको समझाए भी थे। द फूड ऑफ ए फ्रॉग एंड इंसेक्ट लाइक ग्रास हॉपर होगा, ठीक है, क्या होगा? ग्रास हॉपर। बी आल्सो गेट फ्रॉम फूड फ्रॉम एनिमल्स होगा ना, लोग एनिमल्स से भी फूड को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? एनिमल्स। फिफ्थ है लायंस एंड टाइगर आर द कार्निवोर, लास्ट पॉइंट बचा हमारा क्या होगा? कार्निवोरस होगा। फिफ्थ में क्या भरेंगे? कार्निवोरस। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक हम लोग का थर्ड है सी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। अभी हियर देखिए, यहाँ देखिए, पेट्रोल इज द फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बिल्कुल करेक्ट, फॉल्स होगा, क्योंकि जो पेट्रोल है वो ह्यूमन बॉडी का फ्यूल नहीं है, वो जो यातायात के साधन होते हैं, ठीक है, मोटर हो गए, कार हो गए, बाइक हो गए, इनमें ये फ्यूल का काम करता है। तो क्या होगा यहाँ? फॉल्स होगा। साउथ इंडियंस प्रीफर टू ईट राइस, बिल्कुल साउथ इंडिया में राइस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वो क्या खाते हैं? राइस खाते हैं। यहाँ क्या होगा? टी होगा। वी ईट ओनली वन पार्ट ऑफ प्लांट्स, बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि हम लोग
एक पार्ट नहीं खाते हैं, प्लांट्स के लगभग सारे पार्ट को खाते हैं, स्टेम, रूट, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर, इन सबको खाते हैं ना, तो क्या होगा? फॉल्स होगा। एनिमल्स डाइट फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर। बिल्कुल, डिकम्पोजर क्या करते हैं, फीड करते हैं किस पे? डेड एनिमल्स और प्लांट्स पे। अगर यही क्वेश्चन होता कि वनली फीड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये डिकम्पोजर ना होके क्या हो जाता, स्क्वेंजर्स हो जाते। ठीक है, ऑल फूड चैन एंड एट ग्रीन प्लांट। बिल्कुल गलत, क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट पे एंड नहीं होता है, स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसको आप लोगों को लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पल्पी फ्रूट्स। इसका आंसर आपको हम पढ़ाते टाइम बताए थे, आप कॉपी में आंसर लिखिएगा, पीछे पिछला वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और उससे आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है डिफाइन द हर्बीवोरस, इसको भी हमने बताया है पीछे क्लास में, इसका आंसर आप यहाँ लिखिएगा। राइट द नेम ऑफ एनी थ्री फ्रूट्स यूज एज वेजिटेबल। अब थ्री नेम्स लिखना है फ्रूट्स का जिसका यूज वेजिटेबल के रूप में करते हैं। ठीक है, इसको भी हम बताए थे, आप नोट करके दिखाइएगा। राइट द नेम ऑफ एनी फाइव कार्निवोरस, यहाँ फाइव कार्निवोरस मांसाहारी एनिमल्स का नाम लिखना है। ओके, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर, टू एग्जाम्पल देना है डिकम्पोजर का। ओके, कॉपी में नोट करके इतना दिखाइए आप लोग। नेक्स्ट है, घबराना नहीं है आपको, आराम से आपको करना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हियर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर देना है इसमें, अगर कर पाइएगा तो कर लीजिएगा, बाकी हम ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिख के बता देंगे, वैसे करने की कोशिश कीजिएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड हर्बीवोरस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस लिखना है, लिख लीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर, अभी हमने समझाया। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्पॉट, इसको भी लिख लीजिएगा। व्हाट इज फूड चेन, इसको भी लिख लीजिएगा। हु आर ए नॉन वेजिटेरियन, कौन नॉन वेजिटेरियन होते हैं। इतना क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लिख के दिखाइए। ठीक है, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हम लिखवा देंगे आपको, लिख के वीडियो बना के आपको डाल देंगे। ओके, ठीक है बच्चों, अभी आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थंब बना होगा उसको टिक करके लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स।